हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारा 2021 का फर्स्ट व्लॉग। तो हम जा रहे हैं कहीं ट्रिप पे, बाकी वो तो आपको मेरे वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। और तो अभी अभी आया हूँ मैं कंपनी से, क्योंकि वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था। मुझको लीव्स वगैरह देनी थी, क्योंकि लीव्स ना देते तो शायद जाना मुश्किल हो जाता। और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, तो बस थोड़ी देर में हम निकलेंगे, मतलब 5-6 बजे तक हम निकल जाएंगे। उससे पहले लेकिन अभी हेयर कट वगैरह कराना है, और पैकिंग तो बिल्कुल पैकिंग कर ही नहीं है अभी कुछ, अब शुरू करूँगा। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो ये सारा सामान हम कैरी करने वाले हैं, वो वहाँ पर ब्लैंकेट है एक, और ग्लव्स हैं, कैप, मफलर, शॉल। ये मेरा बैग जो मैं लेके जाने वाला हूँ, कैरी करने वाला हूँ। ये मेरे कुछ कपड़े, जैकेट, रेन कोट, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, बेल्ट और गैजेट्स, और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है। हम घर से निकल गए हैं, अब भाई लोग तो हम आ गए हैं स्टेशन पे। ये अपना अश्मित भाई, ये भाई साहिल अपने फोन में लग रहा, और अपने दो भाई और हैं। और तो अभी हम आपको बताने नहीं वाले हम कहीं कहाँ जा रहे हैं, आप वीडियो में देखिएगा। हाँ भाई, बोल 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 भाई, बोल बोल। तुम इधर की तरफ गए थे? हाँ। हेलो भाई, कैसा अश्लील बंदा है ये, दिख रहा है आपको? कहाँ है? ऊपर कर, थोड़ा ऊपर कर, ऊपर कर, मेरा ऊपर करना यार। मैंने क्या पूछा? मैंने यही तो पूछा, मैं कहीं इधर की तरफ। इधर क्या? इधर की तरफ ब्रो, इधर की तरफ ब्रो। हम आपकी ये वाली क्लिप समझ में तो भाई हम आ चुके हैं ट्रेन में, सीट वगैरह भी बैठ चुके हैं, और रोटी वगैरह भी खा लिया हमने। अब बस लेट गए, थोड़ी बातें कर रहे हैं। देखो ये भी अपने भाई, ये भी अपने भाई, ये अपना अश्मित भाई है, ये विशुल है, और ये अपना साहिल भाई। अब कर भाई, जय माता दी, जय माता दी। और इसे तो आप जानते होंगे, लड़ाई बच गई, लड़ाई पप्पी द ब्लॉगर। अच्छा भाई, तो अब सुबह मिलते हैं, ओके, गुड नाइट। स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, बाकी यहाँ से थोड़ी दूरी रह गया है कटरा। ये जो लाइन देख रहे हो ना, रैपिड टेस्ट के लिए है। हम आ चुके हैं यहाँ पे, और अभी जो आप ये लाइन देख रहे हो, ये दरअसल रैपिड टेस्ट के लिए लाइन लगी हुई थी। तो हमें 20 या 25 मिनट लगे होंगे टोटल लाइंस वगैरह में और टेस्ट होने में, उसके बाद रिपोर्ट्स भी आपको साथ के साथ मिल जाती है। वैसे अगर आप अपना जहाँ से आ रहे हैं वहीं से टेस्ट वगैरह करवा के, तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको थोड़ा आपका टाइम वगैरह बच जाएगा। बाकी देखो ये स्टेशन है, बिना रिपोर्ट के तो जाने ही नहीं दिया जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 9:45, और हम इस टाइम होटल में, हमने यहाँ पे आगे रूम वगैरह ले लिया था। तो देखो रूम, ये हमारा सामान वगैरह पड़ा है, और बाहर का व्यू देखो, देखो भैया फोन पे तो बात नहीं होगा बिल्कुल भी। यहाँ पे सामने जो रास्ता दिख रहा है, इसी रास्ते से हम जाने वाले हैं। व्यू काफी बढ़िया यहाँ का, तो बाकी मिलते हैं आपको रास्ते में, मिलते हैं, ठीक है।
ये चेक पॉइंट है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप चेक होगी। हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर पता नहीं भाई, चले हैं माता के दरबार के सारे कुछ आने वाले। क्या कह रहे हो भैया आप, क्या कह रहे हो भैया आप, कब पहुंचेंगे हम मेरा कुछ टाइम कॉपी करता है मेरे जैसा कर। ये बाणगंगा है, यहाँ पे स्नान करने के लिए आप यहाँ से नीचे जा सकते हैं। वैसे हम यहाँ जाने नहीं वाले, हम थोड़ी और आगे से दिखाएंगे इसको। वही डंडा ले लेते, और बोल तू ले देने किसी को। योगी जी चलते चलो, चलते चलो। नहीं अगर आप बाणगंगा पे नहीं नहाते तो यहाँ नहाने के लिए देखिए, थोड़ी सी ऊपर चल के ही आया इधर। लास्ट टाइम आए थे हम तब यही नहाए थे। हाँ गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है ना यहाँ चढ़ाई करते हुए। कुछ लोग यहाँ दूसरे लोगों को एंटरटेन करते हुए ये देखो यहाँ थोड़ा ऊपर से पानी आ रहा है। चलो हम थोड़ा आज लेट हो चुके हैं, होटल से निकले 11:30 तो अब ऊपर चल रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकता चढ़ाई कंप्लीट करेंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद धूप की हालत हो गई है बस, तो अब हमने अपना स्टेमिना बूस्ट करने के लिए लिया स्टिंग। सारे भाई स्टिंग पी रहे हैं भाई, चेयर्स भी करना होगा, हमारी शक्ल तो दिखा दे भाई। ये अपने सारे भाई प्रथम दर्शन मंदिर की, ओह मंदिर श्री शरण पादुका। एक मिनट मंदिर के बाहर से तक तो आ जा। ये देखिए यह है चरण पादुका। ये भी काफी बढ़िया मंदिर है वैसे। बाकी इसमें हम अभी इसमें भी नहीं जाने वाले, अभी हम जितनी जल्दी हो सकेगा उतना रास्ता कंप्लीट करेंगे। तो अब हम सीढ़ियों वाला रास्ता सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ लिखा नहीं है कितनी सीढ़ियाँ हैं, 60 सीढ़ियाँ यहाँ पे ये लिखा है। राम से बाकी वेट करते हैं अपने कुछ सुस्त भाइयों का 50-50 करके चलते। जरा व्यू देखो आप, फोटो खींचते हैं। पूरा कटरा दिख रहा है यहाँ से, कितना सुंदर नजारा है। बस हमने जितना रास्ता चढ़ा है फोटो खींच देख, उससे दोगुना हो रहा है। कितने बजे स्टार्ट करी थी हमने ट्रैकिंग? 11:30। कितना टाइम हो गया? 1:15। एक घंटा हो गया है, 1.25 घंटा चढ़ते हुए।
क्या चीज ज्यादा आराम नहीं करेगा, बीच में रुक नहीं रहा, 5-5, 10-10 मिनट। कटरा तक मोदी की लहर, पहाड़ों की ऊंचाइयों में बीजेपी का झंडा। Where's my friend? व्यू देखो, और आपको यहाँ से स्टेशन भी दिख रहा होगा। ये हमारा होटल भी ये रहा देखो सामने। पैसे कितने दे के आए ये बता पहले। चलो भाई, चल क्यों नहीं रहे तुम? क्या पता, थी पौने दो के आसपास हम यहाँ पे अर्धकुंवारी में पहुंच चुके हैं। काफी ज्यादा थके, गर्मी इतनी ज्यादा है ना, पूरा हाल हो गया पसीने से। बस अंदर स्वेटर वगैरह भी पाया था वो उतार दिया, लेकिन जैकेट पहन रखी है क्योंकि बीच में कई जगह हवा भी ठंडी चल रही थी। अब हम देखो खाने के लिए कुछ खा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या है दोस्त, राजमा चावल और कढ़ी चावल आता हूँ। तो हमने खाने के लिए मंगाया राजमा चावल, ये हमें 40 रुपए की प्लेट पड़ी है। और कढ़ी चावल भी है यहाँ, ये भी सेम रेट में है। यहीं अर्धकुंवारी में गर्भजून की गुफा है यहाँ, जहाँ माता रानी आई थी। तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। इस टाइम तो यहाँ दर्शन करने के लिए बिल्कुल लाइन नहीं लगाई जा रही है। लास्ट टाइम हम आए थे तो कम से कम हमें 6 घंटे की या 8 घंटे की मतलब टाइमिंग थी लाइन में लगने की। तो हम मतलब ऊपर चले गए थे माता के पास आते टाइम, हमने दर्शन करा था। इस बार तो हम बारी बारी से करके सीधा दर्शन कराए। और देखो यहाँ से कुछ ऐसे व्यूज़ हैं, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अर्धकुंवारी इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आधा रास्ता कंप्लीट भी हो जाता है। बाकी अब हमने दर्शन कर लिया, अब हम ऊपर चलते हैं। आवर फर्स्ट टनल। देखिए इनकी कुछ कायराना हरकतें। भाई फोन भी छीन लेंगे वो। यहाँ पर तुम्हारा भाई, वेट, हाउज आई एम लुकिंग। नजारे एक और बार देखोगे, यहाँ पे बस थोड़ा इनसे बच के रहना पड़ेगा। ये देखो हैप्पी फैमिली। कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस हम माता के दरबार पहुंचने वाले हैं काफी जल्दी, 2:45 ही हुए हैं और अभी अच्छी एवरेज दे रहे हैं। कितने की एवरेज दे रहे हैं? 10 किलोमीटर। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
हमें मिले ट्रैक पे कुछ न्यू फ्रेंड्स, एक तो ये बैठा है, एक ये रहा पीछे, कॉफी बड़े साइज की और ये बहुत दिख रहे थोड़े छोटे हम इस फोन में। बाकी ऐसे उम्मीद है भैरों पे और मिलेंगे। हाँ भाई पप्पी कैसा लगा? रुकना कि चले कुछ अनजान बंदों से मिल गए। यहाँ पे हमें अपने और कुछ फ्रेंड्स मिले हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ ये देखो काफी सारे हैं यहाँ, तो देखो कितने बड़े बड़े हैं। मैं से ये सीन है, मैं इनको आपको पास से नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे अपना फोन बहुत ज्यादा प्यारा है। सिर्फ पप्पी और मैं ही पहुंचे हैं, अश्मित छोटू और साहिल तीनों भी पीछे हैं, काफी ज्यादा पीछे हैं। मैंने तो पहुंचता फिर गढ़वाली तो तेरा साथ किसने दिया? तूने तो चलो मिलते हैं।